हेलो गाइस, वेलकम टू मापिच स्टॉक एक्सप्लोरर, जहां हम आज एनालाइज करेंगे कि निफ्टी इस वीक कैसे परफॉर्म कर सकता है। एंड ऑल्सो मैं आपको दूंगा इस वीक के लिए एक बढ़िया स्विंग ट्रेड फ्रॉम द मिड कैप, जिसका मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा चार्ट पे। एंड इसके फंडामेंटल्स भी मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर सकें। चलिए तो निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। गाइस, निफ्टी 18,600 का एक राउंड लेवल जैसे इसने हिट करा, उसके बाद निफ्टी कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा था। एक थोड़ा सा डीप करेक्शन भी आया, उसके बाद निफ्टी में एक बढ़िया पुल बैक आया 10-12 दिन का। और रिसेंटली 1-2 महीने से निफ्टी ने इसी सपोर्ट लेवल को मेंटेन कर रखा था, काफ़ी बार यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका था। और यहाँ पे ये इसका 200 मूविंग एवरेज भी था, जिसका इसने बढ़िया तरीके से टेस्ट करा इसको, और यहाँ से ये एक अच्छा पुल बैक दिया। तो एक जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग था निफ्टी का 200 मूविंग एवरेज का, वो भी हो चुका था, और सपोर्ट लेवल भी इसने मेंटेन कर लिया है अच्छे तरीके से। बट जो अभी रिसेंटली ग्लोबल सिनेरियोज़ ऑफ वॉर के कारण एक बड़ा सा गैप डाउन खुला और मार्केट बहुत तेज़ी से एकदम से फॉल करा, उसके बाद निफ्टी ऑलरेडी अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, या कोई भी स्टॉक अपने 200 DMA के नीचे है, तो उसको बेयरिश ही माना जाता है। जब तक ये वापस अपना 200 के ऊपर अचीव नहीं कर लेता, तब तक हम बुल रन को थोड़ा सा कंसिडर नहीं कर सकते। बट देखना पड़ेगा क्या सिनेरियो है। अगर ये इस वीक में वापस एक ग्रीन क्लोजिंग इसके ऊपर 200 के ऊपर दे देता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे कि एक ही ब्रेकडाउन हुआ था इसका और ये इसने वापस रीअचीव कर लिया। बट अगर कहीं ये मार्केट ने ऐसा जाके एक कैंडल बनाई यहाँ मूविंग एवरेज के आसपास, और वहाँ से अगले दिन या उसी दिन रिजेक्शन लेके एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री चालू कर दी, तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि फिर ये एक मूविंग एवरेज का क्रिटिकल ब्रेकडाउन और रीटेस्ट हो जाएगा सिनेरियो का, तो फिर थोड़ा सा निफ्टी और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव कर सकता है। एंड ऑल्सो वॉर सिचुएशन कैसी चल रही है अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, हर चीज़ न्यूज़ इन्फ्लुएंस ही है। अच्छी न्यूज़ आएगी तो बड़ा गैप अप खुल जाएगा, बुरी न्यूज़ आएगी तो एकदम से 300-400-500 गैप डाउन खुल जाएगा, जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा था। तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, बट स्टिल 200 के नीचे बेरिश ही माना जाता है, तो हम थोड़ा सा भी कॉशियस रहेंगे। और जब तक ये इसको 200 को अचीव नहीं कर लेता ऊपर वापस, फिर देखेंगे। अगर ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वापस हम एक बुल रन में एंटर हो चुके हैं। अभी तो हो सकता है थोड़ा मार्केट साइडवेज रहे, कंसोलिडेट करे या न्यूज़ के अकॉर्डिंग फ्लो करे, तो देखना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से तो अभी मार्केट थोड़ा सा फंसा रहेगा इसी रेंज में, जब तक वो 200 के ऊपर नहीं आ जाता। और अगर आप ग्लोबल सिनेरियोज़ की बात करें, SGX निफ्टी तो अभी 40 पॉइंट गैप अप शो कर रहा है, जो कि कोई बहुत खास तो नहीं है, बट ठीक है, गैप अप है स्टिल ओके। UK मार्केट डाउन है, US मार्केट अभी 8 बजे खुला और कॉन्स्टेंटली गिरते जा रहा है, 1% डाउन है, 300 पॉइंट, 350। तो सिनेरियोज़ तो अच्छे नहीं है, बट देखना पड़ेगा कल सुबह क्या होता है, क्योंकि ये डेटा सुबह तक चेंज हो जाता है 7-8 बजे तक। तो सुबह उठ के देखना पड़ेगा क्या सिनेरियो है, तो देखते हैं सुबह क्या होता है, सुबह कैसा काम करता है एनालिसिस, देखते हैं क्या होता है। बाकी और अगर आप बात करें बिट कैप के स्विंग ट्रेड स्टॉक की, तो गाइस MBAPL स्टॉक है ये, इसका डेली टाइम फ्रेम है। और मुझे जो इस स्विंग ट्रेड स्टॉक में सबसे अच्छी बात लगती है, कि स्टॉक ने 4-6 महीने पहले कंसोलिडेट करा इतनी टाइट रेंज में, उसने कोई मूवमेंट नहीं दिया, और जैसे ही अर्निंग्स आई इसकी अच्छी, आप देखिए इंस्टीट्यूशन स्टेप इन करे और इतना बढ़िया मूव दिया इसने कि बिल्कुल 2 दिन में 40%। बहुत ही अच्छी बाइंग आई थी एकदम से इसमें, क्योंकि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग थे, अर्निंग बहुत अच्छी आई थी, तो इंस्टीट्यूशन ने इसको अच्छा बाय करा। और अब मुझे जो सबसे अच्छा पसंद है किसी स्टॉक में या किसी स्विंग ट्रेड में, कि उसके चार्ट पे कोई ऐसा पैटर्न जो मुझे बहुत पसंद हो या जो बहुत अच्छा बुलिश हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये इसका पोल है और ये इसका फ्लैग है, बहुत ही नीट एंड क्लीन पैटर्न है। पोल एंड फ्लैग बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है, अगर ये फ्लैग को अपसाइड ब्रेक करता है तो एक बहुत अच्छे हाई पोटेंशियल के चांसेस होते हैं। और एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी है, कि स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई या ऑल टाइम, ये इसका ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई के क्लोज है। तो अगर ये स्टॉक कल यहाँ कहीं खुल के यहाँ 298 के ऊपर निकलता है, तो हम इसको इमीडिएट बाय करेंगे 2-3 दिन के मोमेंटम के लिए, या फिर हो सकता है उसके आगे भी निकल जाए, तो एक बढ़िया स्विंग ट्रेड बनेगा। और अगर मार्केट अच्छा नहीं रहता है, इन केस कोई गैप डाउन खुलता है, या एकदम से सेलिंग आ जाती है मार्केट में, या कुछ न्यूज़ ख़राब आने के न्यूज़ के कारण कुछ ज़्यादा बड़ा मार्केट में मूव आ जाता है, तो आप वेट करो। हो सकता है कि ये पोल एंड फ्लैग का रिटेस्ट भी करने आए इसी लेवल का, ये ग्रीन लेवल बनी है 265 का, तो जब यहाँ पे ये रिटेस्ट लेके एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब हम इस पर एंटर हो सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ कहीं डाल सकते हैं, वो भी एक अच्छी स्विंग ट्रेड रहेगी। तो आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट अच्छा रहता है, कल बुलिश रहता है, तो आप इसको अगर यहीं पे परचेस कर सकते हैं तो यहाँ कर लीजिए, अगर मार्केट अच्छा नहीं रहता है तो आप वेट करिए मार्केट का, ताकि यहाँ पे इस पर एक प्रॉपर रिटेस्ट हो,
और इस पे एक ग्रीन कैंडल जो अगले दिन बना रीटेस्ट के बाद, आप उस पे एंटर करिए। बढ़िया स्विंग ट्रेड है, टेक्निकली बहुत अच्छा पैटर्न है, पोलन फ्लैग बुलिश पैटर्न है बहुत। और अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें, मैंने इसके फंडामेंटल्स चेक करे थे, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, बहुत अच्छी सेल हैं, बहुत अच्छी अर्निंग पर शेयर्स हैं, बहुत अच्छी बुक वैल्यू है। तो दोनों तरीके से स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है, बस आप वेट करिए आप अपनी अपॉर्चुनिटी का। और मैं अपना इस पर इंस्टाग्राम पर चार्ट भी अपलोड करता हूँ, तो आप चार्ट पे जो प्राइस लिखी हो तभी एंटर करें और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वायलेंटली मूव कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी है मार्केट में। तो कोई भी ट्रेड हो, चाहे एफएन हो, चाहे स्विंग हो, चाहे इंट्राडे हो, बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ट्रेड मत करें। और पर्सनली मैं अपना 5% का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ स्विंग ट्रेड्स पे, स्टॉक पे। और आपकी जैसी कैपेसिटी या कैपिटल हो, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक को बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। बाकी थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने मिला हो, आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। आई होप आपका ये वीक अच्छा जाए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।